दुनिया के कुछ देशों में शिक्षकों को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, वहीं देशों में कुछ छुट्टी रहती है जबकि कुछ देश इस दिन कार्य करते हुए मानते हैं। वहीं देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमणि गाँव में हुआ। वह बचपन से ही किताबों को पढ़ने के बड़े ही शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने छात्रों से आज के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। प्राचार्य हेमा पटेल ने कहा कि डॉक्टर इंजीनियर गलती कर सकते हैं मगर शिक्षक कभी गलती नहीं कर सकते, इसलिए हम कभी यह नहीं कहेंगे या चाहेंगे कि हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान गलत हो। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। संस्था के बारे में बात करूंगी कि जो स्वामी हरिहरानंद जी थे उनका दिल्ली में एक संस्कृत विद्यालय चलता था उस जमाने में, और उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि बच्चों को एक शिक्षा के साथ में संस्कार मिलना चाहिए। जो माँ गीता भारती जी जो हमारे गुरु हैं और जो स्कूल के चेयरमैन हैं उनका उसी लक्ष्य से उन्होंने ये स्कूल को आगे चालू किया था 1986 में, और उसी लक्ष्य को लेकर के जो हमारी पूरी SHPS की टीम है वो सभी इस चीज़ में हमेशा तत्पर रहते हैं कि बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार चीज़ है वो बच्चों के अंदर मिलनी चाहिए। आज शिक्षक दिवस पर बच्चों ने क्लास 11th और 12th के बच्चों ने मिलकर